मीना जी की जन्मदिन के उपलक्ष में बच्चों को नारी सशक्तिकरण के बारे में बताया गया। आपको बताते चलें कि उन्नाव जिला के विकास खंड हसनगंज के ग्राम हसेवा के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका तनी जहरा ने बच्चों को नारी सशक्तिकरण के बारे में बात की और बच्चों को बताया कि वह अपने जीवन में जुड़े उनके हर फैसले स्वयं ले सकें और समाज में उनको वास्तविक अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है। आज के आधुनिक युग में नारी सशक्तिकरण चर्चा का विषय है। आज तक बताया गया कि बच्चों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए जो उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक विकास में बराबर के अवसर मिल सकें, जिसमें महिला कांस्टेबल के द्वारा बच्चों को 1090-181-1076 के बारे में बताया गया। शौच के लिए भी बताया गया, घर के बाहर ना जाएं, शौचालय घर में ही बनवाएं, कोई बात अपने बड़ों से बताएं, आपको असुरक्षित महसूस हो रहा तो आप 1090-181-1076 पर सूचना दें और मदद लें। जैसे महिला कांस्टेबल नीलम यादव, इंदु यादव, लक्ष्मी भदौरिया तथा डॉक्टर आर के गुप्ता, डॉक्टर सुप्रिया सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्राइम रिपोर्टर अभिनेश सिंह की रिपोर्ट। फोन नंबर है आसान 1121, अभी और भी बहुत सारे नंबर है जो आपको कुछ चीजें स्कूल स्तर पे बताई गई और कुछ की जानकारी हमारे बीच में जो जनप्रतिनिधि आए हैं ये आपको देंगे। और बच्चों एक बात मैं बताऊंगी आप लोगों को कि ये जो जानकारी है अभी जो ये लोग आपको देने जा रहे हैं ये बहुत ही काम की जानकारी है। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर आपने कुछ तकनीकें ऐसी सीख ली कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमको इस बारे में बताना चाहिए, तो आप अपने बड़ों से ज़रूर बताइए। साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी सीख लीजिए कि जो आपकी रक्षा करें और आपको छोटी छोटी बातों के लिए किसी बड़े का मुंह ना देखना पड़े, बल्कि आप खुद ही अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो। तो हमारी ये जो महिला पुलिस आई है आपके सामने जो लोग खड़े हैं, कितने लोग शौचालय कितने लोग बाहर जाते हैं शौच के लिए, घरों में सबके टॉयलेट है, सबके घरों में है, और जितने घरों में नहीं है जो बाहर जाते हैं वो अपने यहाँ प्रधान से संपर्क करेंगे, प्रधान के अंडर में आएगा तो वो लगवा सकते हैं, ठीक है। और विशेषकर बच्चियाँ ध्यान दें, अगर जो शौच के लिए बाहर जाती हैं, वो शौच के लिए बाहर जा रही है तो अपने घर से अपने माँ को लेके जाए या फिर अकेले मत जाए, अकेले जा रही है तो किसी को बता के जाएंगी, अकेले आप कहीं भी बाहर नहीं निकलेंगी। अगर आप स्कूल के लिए भी आ रही हैं तो अपने घर के बता के जाएंगी, रास्ते में कोई दिक्कत होती है तो अपने टीचर को बताएंगी, अपने माता पिता को बताएंगी, उन्हें सारी बातें पता होनी चाहिए, उनसे कोई भी बातें छिपी नहीं रहनी चाहिए। आप अपनी हर बात अपने टीचर से, अपने मम्मी पापा से सबसे शेयर करेंगी, कोई भी बात आप गोपनीय नहीं रखेंगी, समझ रही हैं आप लोग। आपकी सुरक्षा के लिए ये, आपकी सुरक्षा के लिए ये सब चीज़ें बताई जा रही है। मिशन शक्ति का बहुत जोर से तीसरा चरण चल रहा है, मिशन शक्ति सिर्फ इसीलिए चलाई जा रही है कि आप लोगों को सुरक्षित कैसे बनाया जाए, सेल्फ डिपेंड कैसे बनाया जाए, आप लोग अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं, अपनी सुरक्षा। अब जैसे आपको कोई परेशानी हो रही तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगी, हमसे मदद चाहेंगी, हमसे मदद तो चाहेंगी या फिर सोचेंगी कि हम अपनी परेशानी कैसे सॉल्व करें, उसके लिए आप सेल्फ डिपेंड तो बनेंगी ना। तो जैसे हम सरकार की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर बताए गए हैं, जैसे 1090 है, 181 है, 1076 है, मुख्यमंत्री नंबर 1090 के बारे में जानिए आप लोग। 1090 ऐसा नंबर है जो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जैसे आपको कोई भी लंबे समय से कोई परेशानी है या फिर कोई भी दिक्कत होती है, मोबाइल के द्वारा कोई परेशान कर रहा है, रास्ते में आते जाते कोई परेशान कर रहा है, घर में कोई समस्या है, आप अपनी समस्या किसी से नहीं बता पा रही है, ना अपने घर वालों से बता पा रही है, ना हमसे बता पा रही है, किसी से नहीं बता रही है, तो 1090 एक ऐसा टोल फ्री नंबर है जिसे आप मिला सकती हैं अपनी समस्या।